एबीसी पंजाब दे खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला अज दीआं मुख खबरां। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नवें युग की पंजाब च हो चुकी है शुरुआत। 12,710 अध्यापकां नाल कच्चा शब्द जुड़िया दे गया हटाया। स्थानक सरकारां विभाग के मंत्री बलकार सिंह ने नगर निगमां दे अहम मामलों संबंधी अधिकारियों ने की मीटिंग। AGTF वालों गोपी डलेवालिया गैंग के 3 शूटर किए गए गिरफ्तार। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब सरकार सिखा के धार्मिक मसलों के दखल अंदाजी करनी बंद करे। विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब सरकार गिरदावरी राही राहत देने दे मसले दे विच बुरी तरह फेल साबित हुई। राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा ने कहा कि संसदीय निजमां अनुसार बेभरोसगी मते ते बहस अते वोट होने तक कोई भी काम नहीं होने दिता जाएगा। अते साबका वजीर परनीत कौर ने प्रधानमंत्री नूं हड़ां नाल प्रभावित इलाके लई पंजाब वास्ते मंगिया राहत पैकेज। हुण खबरां विस्तार नाल। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार सूबे के लोगों को बुनियादी सहूलतां साफ सुथरा ते प्रदूषण रहित वातावरण मुहैया करवाने लई लगातार यतनशील है। ये प्रगटावा करदिआं स्थानक सरकारां बारे मंत्री बलकार सिंह ने दस्सिया कि सूबा सरकार अपना हर फैसला लोक हित नूं मुख रखदिआं ही लै रही है। रिव्यू मीटिंग म्यूनसिपल भवन सैक्टर 35 चंडीगढ़ विखे विभाग के अधिकारियों नाल करदिआं स्थानक सरकारां दे मंत्री ने नगर निगमां दे वख-वख विकास कार्यां रिपेयर दे कम्मां संबंधी जायजा लिया ते विभागी अधिकारियों नूं हदायतां कीतीआं कि सूबे दे समूह जिला विच चल रहे विकास कार्यां नूं निर्धारित समा सीमा ते सही गुणवत्ता नाल मुकम्मल करना यकीनी बनाया जावे। बलकार सिंह ने नगर निगमां दे अधिकारियों नूं हदायतां दिंदिआं कहा कि उन्होंने संबंधित खेतरां च किसी भी तरह के गैर कानूनी उसारी नहीं हो दिती जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेकर कोई व्यक्ति गैर कानूनी उसारी करता है तो उसनों तुरंत रोकया जाए और गैर कानूनी उसारी कारण विरुद्ध बनती कार्रवाई तुरंत अमल में लिया जाए। मंत्री ने मीटिंग में हाजिर अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सूबे के लोगों भ्रिष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाने वचनबद्ध है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों ने कहा कि भ्रिष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का सुपना है कि सूबे के लोगों को बुनियादी सहूलत साफ सुथरे तो प्रदूषण रहित वातावरण मुहैया करवाना है ताजो सूबे के लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चुकया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि लोगों को होर सुविधा मुहैया करवाने के मकसद नाल पंजाब सरकार ने पहला ही CLU और कलोनिया की लेआउट प्रवान करने लिए जिला पद्धर से ही म्यूनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर वधीक डिप्टी कमिश्नर अधिकारित किया गया जिस नाल लोगों को वड्डी राहत मिल रही है। उन्हें सूबे में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लैन उपरंत कहा कि अधिकारी निजी तौर पर कामों की गुणवत्ता वल ध्यान देन ताजो सरकारी कामों में कुशलता और गुणवत्ता यकीनी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के समाज विरोधी अंसर विरुद्ध वीडी मुहिम तहत पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मोगा पुलिस नाल सांझे किए गए ऑपरेशन तहत गोपी डलेवालिया गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार करके संतोख सिंह कतल केस की गुत्थी सुलझाने में वड्डी सफलता हासिल की है। ये जानकारी अज इत्थे डायरैक्टर जनरल पुलिस DGP गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पछाण निर्मल सिंह उर्फ निम्मा, अप्रैल सिंह उर्फ शेरा और जसकरण सिंह उर्फ करण वजों हुई है। पुलिस टीमों ने इन्हों के कब्जे में 10 जिंदा कारतूसा समेत 3 32 बोर कैलिबर के पिस्तौल और अपराध में वरती गई हंडोई वरना कार भी बरामद की। जानकारी अनुसार 4 हमलावर ने 16 जुलाई 2023 मोगा च संतोख सिंह के घर से दाखिल हो गए उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई सी। DGP गौरव यादव ने दसाया कि भरोसेमंद जानकारी मिलने उपरंत AGP प्रबोध बाण की निगरानी हेठ AIG AGTF संदीप गोयल की अगवाई हेठ टीम ने मोगा पुलिस नाल मिलकर 3 व्यक्तियां जो शूटर हन नामी गोपी डलेवालिया गैंग नाल संबंधित हन जलंधर के मैथपुर इलाके चों गिरफ्तार किया है। उन्होंने दसाया कि मुढ़ली जांच अनुसार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी डलेवालिया ते गौरव शर्मा उर्फ गुरु बच्चा इस घनौने कतल के मास्टर माइंड हैं। उन्होंने दसाया कि गैंगस्टर गोपी डलेवालिया भगौड़ा तो उस विरुद्ध कतल की कोशिश जबरी वसूली असला एक्ट आदि वर्गे 12 तो वध अपराधिक मामले दर्जन। वधेरे जानकारी दिंदिआं AIG संदीप गोयल ने दसाया कि बाकी मुलजमान फड़न लई पुलिस टीमां छापेमारी कर रही ने अते अगलेरी जांच जारी है। इस संबंधी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिता है। धारा 334 ते असला एक्ट की धारा 25 अधीन सिटी मोगा में केस पहला ही दर्ज करके उन्होंने इन्हों नामजद कर लिया है।
सूबे में नवें युग की शुरुआत की दिशा वाल कदम पुटदे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज सिक्ख्या विभाग में काम कर रहे 12,710 ठेका आधारित अध्यापकों रैगुलर नियुक्ति के पत्र सौंप के अध्यापक वर्ग नाल कीते वड्डे वादे नूं पूरा कर दिखाया। इत्थे टगोर थिएटर विखे हुए एक समागम दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अहुदा संभालन बाद ही सारिया कानूनी अते प्रशासनिक अड़चणां नूं पार करदे इन्हां दे अध्यापकां दीआं रैगुलर सेवावां करन ते जोर दिता है। भगवंत मान ने कहा कि इस फैसले का मंतव अध्यापकों के सुरक्षित भविख में यकीनी बनाना क्योंकि उन्हों का विश्वास है कि जे अध्यापक का भविख सुरक्षित है तो वो ही विद्यार्थियों की किस्मत को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार वालों किए गए ठोस उपराले सदका ही अज इतिहासक दिन देखने मिल रहा। होर मुलाजमान ने अपनी भावुक सांझ जाहिर करदे मुख्यमंत्री कह के हर मुलाजम की समस्या का हल किया जाएगा जिसलिए सूबा सरकार पहले ही हर संभव यतन कर रही है। आखद कि अध्यापक वर्ग में दरपेश सारिया समस्या हल करने लिए मौजूद हैं। भगवंत मान ने कहा कि वो एक अध्यापक के पुत्र होने के नाते अध्यापकों की समस्यावान चंगी तरह जानते हैं और अध्यापकों दरपेश सारिया समस्या हल करना उन्हों का मुढ़ला फर्ज है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना लोगों का समाज के हर वर्ग की भलाई लिए एक एक पैसा समझदारी के नाल वरत्या जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी पर कोई आसान नहीं है सगो सूबे की जनता की सेवा करना उन्हों का मुढ़ला फर्ज है। भगवंत मान ने भी कहा कि वह खुश हैं कि सूबे के लोगों ने उन्होंने इन्ना भरोसा जताया और वह इस विश्वास को कायम रखने लिए हर संभव यतन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार सूबे के सर्वपक्षी विकास और लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाने लिए हर संभव यतन कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी दसा कि केंद्र सरकार वालों सूबे में मरदमशुमारी 60,000 अध्यापकों की मांग की गई थी जिस तो उन्होंने वालों स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया गया और केंद्र सरकार ने इस मंतव लई बेरोजगार नौजवानों भर्ती करने लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस नाल नौजवानों को सरकारी कामकाज करने बारे जानकारी मिलेगी तो नाल दे नाल उन्होंने हुनर विकास में भी मदद मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि अजिहे फैसले सिर्फ उही व्यक्ति लै सकदा जो जमीनी पद्धर ते लोगों नाल जुड़िया होवे। पंजाब दे विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार दे पंजाब दे हड़ प्रभावित खेतरां दे पीड़तां नूं समय सिर राहत प्रदान करन दे उदासीन रवैये ते भारी दुख का प्रगटावा किया। इस तथ्य के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री ने गिरदावरी के कराने तो पहला ही राहत प्रदान करने की वचनबद्धता जताई से। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा चोणों तो पहला तो बाद रैलियों में जो कुछ कहते सन वह उस तो बिल्कुल वक्रा सी जो हूँ अभ्यास कर रहे हैं। अजिहा बहुत सारिया रैलियों में उन्होंने कुदरती आफत में फसल खराब होने तो तुरंत बाद किसानों राहत देने का प्रण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वलों गिरदावरी मुआवजे के भुगतान तो बाद की जा सकती जिमें कि दिल्ली की आप सरकार कर रही है। प्रताप सिंह बाजवा ने अगे कहा कि इस दौरान आप सरकार ने गिरदावरी देरी का हवाला देते अजे तक पंजाब को हड़ प्रभावित सूबा भी नहीं लान्या। गिरफ्तारी कराने तो पहला राहत देने हूँ अपने वचन निभाने असफल क्यों हो रहे हैं? वो मुआवजे का ऐलान करने हूँ गिरदावरी की रिपोर्ट की डी क्यों कर रहे हैं? सिरन आगू प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिंदिया कहा कि हड़ प्रभावित इलाकों के लोग मुख्यमंत्री मान की सरकार वालों पीड़ितों को लोड़ी सहायता मुहैया करवाने लिए सुस्त पहुँच अपनाते दुखी हैं। आप सरकार की सरासर लापरवाही कारण फाजिलका के कई पिंड के वसनीक सड़कों उतर आए हैं तो कई होर हड़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने आप सरकार वालों अपने वादे पूरे ना करने की सख्त निखेधी की है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं जदों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने वादियां तो मुक रहे होण। इस तो पहला भी वह किसानों निराश कर चुके ने। उसने लगातार मीह कारण कणक की फसल के नुकसान जाए जाने तो बाद भी मुआवजा देने बारे झूठ बोलिया से। वादियां के बावजूद वो MSP ते मूंगी की फसल खरीदने विच भी असफल रहे ने। अजिहियां कई उदाहरणां ने। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज इत्थे कहा कि सिख अपने धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी कदे भी बर्दाश्त नहीं करनगे अते खालसा पंथ मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों पिछले दरवाजे राही पवित्र सिख संस्थावां ते कब्जे के जतना का मूँह तोड़ जवाब देणगे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भगवंत मान कई सिख विरोधी तानाशाही अते उन्हां दीआं कठपुतलियां दे राह ते चल रहे ने जिन्हां ने खालसा पंथ नूं धमकाउण अते इस दीआं पवित्र धार्मिक संस्थावां ते कब्जा करन दा यतन कीता। स्पष्ट तौर पर उन्हां कोल इन्नी वेल ते चंगा समां नहीं कि वह सिख इतिहास तो सबक लै सकन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं चुनौती दित्ती कि वह हिंदुआं मुसलमान ईसाइयां जां किसी होर दे धार्मिक मामले में दखल दे के विखाउण दी जुरत करन। एक जारी बयान में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि गुरबाणी के प्रसार के मामले ते खालसा पंथ नूं धमकाउण विच असफल रहने मगरों भगवंत मान हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते इस दे सेवादारां
ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਂਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 80-85 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
लगभग 500 पिंड तबाह हो गए ने ते 1.25 लाख एकड़ खेतों की जमीन अजे भी डूंघे पानी विच दी मार हेठ है। पटियाला शहर कई कस्बे ते हल्के की वड्डी गिनती विच बस्तियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। फसलों का नुकसान का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि सौन की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। घग्गर नदी द्वारा लियांदी गई 3 फुट तो वध रेत अते गाद सारे खेतों में जम गई है, जिस नाल झोने ते होर फसलों की दोबारा बिजाई दे बहुत घट मौके बचे न अते जमीन ते मुड़ दावा करना तुरंत संभव नहीं है। इसलिए बहुत मेहनत अते फंडा की लोड़ है। घरां ते पशुआं दे नुकसान अते इन्हां लोकां दी निराशा नूं होर वधा दिता है। पंजाब लई एक वार दी विशेष सहायता दी पैकेज दी बेनती करदे होए उन्हां कहा कि जिथे मैं आफतां नूं निजिठण लई वख वख उपा करन लई पंजाब राज नूं 218 करोड़ भेजण लई तुहाडा ते केंद्र सरकार दा धन्नवाद करना चाहांगी। मैं इस लई सुझाव भी देना चाहांगी कि किसानां नूं एक विशेष जकमुक सहायता सीधी दित्ती जाए जो प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजना राहीं जारी की जा सकती है। प्रधानमंत्री खेत मजदूरों के आर्थिक तौर पर कमजोर तबके संबंधित लोगों भी पैकेज की अपील करते उन्होंने लिखा कि खेत मजदूरों आबादी के होर कमजोर वर्गों भी इस तरह की व्यवस्था से विचार किया जा सकता जिन्होंने अपना घर के घर अंदर आता सारा समान बुरी तरह गवा दिता है। खबरों का बुलेटिन फिलहाल इतने ही खत्म होंगे, पर तुम इस तरह ही देखते रहो ABC पंजाब। धन्यवाद।